प्रेशर होगा एडिट बहुत निकलना है। गाइस फाइनली प्याज काटने को गाइस 2 महीने बाद कॉलेज आके कैसा लग रहा है। जय श्री श्याम सभी को। हम लोगों का आज है पहला दिन लास्ट ईयर का, तो देखते हैं कैसा जाएगा कैसा नहीं। फिलहाल तो आधे घंटे पहले जो इंसान भाई 10 मिनट पहले निकलते थे हॉस्टल से, 5 मिनट पहले, आज वो तीन घंटे पहले उठ रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वीक लगाना है जिससे हमें बोनस मिलेगा अटेंडेंस का आगे जाके, क्योंकि बेनिफिट करेगा यार। कभी कभी नहीं मिलता हम लोगों की तो 75 भी पूरी नहीं हो पाती। इस बार चाय नहीं लेना पड़ेगा, 75 हार्ड चाय अटेंडेंस वाला। खैर चलते हैं। हल्की हल्की बारिश हुई थी सुबह, बट अब धूप निकल आई। तेरी क्लास अलग है ना? हाँ। मेरी भी अलग है, हम दोनों का सेक्शन अलग है। भाई 2 महीने बाद कॉलेज आके कैसा लग रहा है? भाई फीलिंग तो कुछ वैसी वैसी लग रही, पुरानी सी। अभी मज़ा आएगा, अब वो ये रेगुलर आपको देखने को मिलेंगे ब्लॉग कि हाँ डेली उठ रहे हैं, भाग रहे हैं क्लास के लिए, अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं, मिड टर्म हो रहे हैं, एंड टर्म हो रहे हैं। खैर मज़ा तो आएगा, क्योंकि लाइफ हमेशा एक जगह पर रुकना सही नहीं है। घर पर रुको, रुके रहो बोर हो जाओ। खैर मज़ा आएगा, दिखाते हैं, चलते हैं। अभी तो फ्रेशमैन जो होता है, फ्रेशर जो लोग आ रहे हैं, उन लोगों का इंडक्शन चल रहा है, आगे चल रहा हूँ। इंडक्शन थोड़ी चल रहा है, इंडक्शन तो मीटअप है। ओ सॉरी, बताना नहीं था क्या इन लोगों को? मीटअप है गाइस, अभी मीटअप है, मीटअप दिखाते हैं आप लोगों को। सही कह रहा तो है कि नहीं? हाँ। क्या बात कर रहा था? तो कह रहा था भाई सीन आया था, जैसे अभी हम लोग आए हैं सुबह 7-8 बजे उठ जा रहे हैं, और पहले तो हॉस्टल में 10 मिनट पहले ही निकलते थे। बट अब क्या होगा अगर कभी बाई चांस ऐसा ना हो, बट टीचर कभी कह दे कि हाँ भाई 2 क्लासें हों और हम दो क्लास करने आए हों, कॉलेज आके कह रहे हैं टीचर कि हाँ अब छुट्टी है तुम्हारी, कितना बुरा लगेगा। वैसे तो हॉस्टल भाग जाए 10-5 मिनट में, हाँ। जाके सो जाएंगे, यहाँ तो जाना है। कोई नहीं, वो भी देखा जाएगा। गाइस ये हो रहा है फ्रेशमैन इंडक्शन, जो कि मैं आपको ब्रेक में देखूँगा। ओ ये नहीं बताया था इंडक्शन, भूल गया मतलब, कितना हम्बल। तो गाइस सीन है अभी ऐसा कि 2-4 क्लास थी मेरी, 2 तो मैंने कम्प्लीट कर ली, बट उसके बाद 3 घंटे का ब्रेक था और 3 से 5 क्लास थी। बट पहले दिन ही मैम अब्सेंट हो गई और इसलिए हमारी 12 बजे क्लास ऑफ हो गई। तो मैंने सोचा भूख लग रही है तो चलते हैं कुछ खाते हैं, बड़े दिनों बाद, एक डेढ़ महीने बाद ही कैंटीन में चल रहे हैं कुछ खाने से। यहाँ खड़े होके मैं खुद ही भूल गया मैं ऊपर जाता था या नीचे जाता था खाना खाने। बस फिलहाल ब्रेक को बर्बाद ना करते हुए हमने सोचा भूख तो लगी रही है तो स्पेशल थाली ले ली, क्योंकि पुराने ब्लॉग्स में आप देखते ही होंगे कि 90 रुपये की मिलती है, इसमें कुछ पनीर की सब्ज़ी आ जाती है, राजमे की, और आलू रोटी चावल दही, ये सारी है। बाकी भाई यही ज़िंदगी है, 1 महीने मम्मी के हाथ के खाना खाया मज़े से, पूरा ऐस से लेट के खाना मिला बिस्तर पे, अब वही भागा दौड़ी होगी, कभी खाना मिल रहा है कभी नहीं मिल रहा। और अभी फ़िलहाल थोड़ा सा नमक कम है, वही अब जैसा मिल रहा है खाना पड़ेगा, घर थोड़ी है। फिलहाल फ्रेशरों का एडमिशन हो रहा है तो इंडक्शन चल रहा है यूनिपोलिस में, तो चलते हैं अपना कुछ हरे क्या कह रहा था मीटअप बाद में होगा। मछली को भाई पेट बहुत निकल रहा था, पेट बहुत निकल रहा भाई। फिलहाल मैं कह रहा था हर्षित का पेट बहुत निकल रहा भाई, मेरा नहीं निकल रहा, मेरा नहीं, तेरा बहुत दिख रहा है। 3 दिन का ही निकल रहा यार, पार्टी करने चले, एकदम फाइट है भाई। इसके ऊपर तो हमारा गोरा चिट्टा है क्या? आज मैं जा रहा हूँ ना यहाँ पे, आज गिन के मेरा टारगेट है 3 एडमिशन कैंसिल कराना, अगर 2 भी हो जाएंगे तब भी थोड़ा जो है ऐसा हो एवरेज बन जाएगा मेरा। भाई सुबह गेट से आ रहे हैं हम लोग, इतना फाइन लगाया ना इन लवली वालों ने मेरे ऊपर, गेट से आ रहे हैं हम लोग, फिर भी फेल हूँ लेंगे आप 3 एडमिशन गेट से आ रहे हैं हम लोग। और जो जो फ्रेशर दिख जा रहा है उससे पता है क्या कह रहे थे भाई, सबसे बड़ी गलती हो गई यहाँ एडमिशन लेके, लेना ही नहीं है। अब वो उनका रिएक्शन है भयंकर, गलत तो नहीं हम गलत कैमरे में बोल रहा हूँ तेरे, लवली भले मेरा वो कर दे पूरा भाई, ये चीटिंग हो रही है। कह रहा लड़कियाँ आए एक बार गिरा ले अपना, देखते गाइस कौन जीतेगा, चले 1 2 3 गाइस फाइनली गाइस भाई की दाढ़ी आ गई, दाढ़ी तो आता नहीं है। इसके पापा ने क्या बोला, इसके नंबर कम आए ना तो क्या तुम बताते, पहले तुमको दुकान खुलवा देते मोमोस की। ये बढ़िया है, एकदम रेसिस हो रहा है भाई, इसके पापा ने बोला पान का दुकान खोलेगा भाई, हर्षित पान वाला, राव साहब पान वाले।
और भाई भाई पार्टी तो बनती है, पार्टनरशिप कर लेंगे, पान वाले मोमोज भेजेंगे। फिलहाल गाइस हो गई है छुट्टी, तो वैसे 12 बजे हो गई थी बट अभी 3 बजे हैं तो रूम पे निकल रहा हूँ। कुछ काम है, वीडियो एडिट भी करनी है, वो भी करना है और कुछ आएंगे भी। चलते हैं फिलहाल रूम की तरफ। और कैंपस अभी खाली खाली सा लग रहा है, बच्चे तो बहुत हैं अभी। फ्रेशरों को लेट बुलाया गया है ताकि भीड़ ना लगे जब फ्रेशर जो नए आ रहे हैं उनके इंडक्शन के चक्कर में। फ्रेशर मतलब कि सेकंड ईयर वालों को कि जो है लेट खुलेंगी क्लास। गाइस देख लो अभी भाई से प्याज काटने को गया था, कैसा काटा है शक्ल दिखा दो भाई। अब दिखाता हूँ बिफोर और आफ्टर। तो गाइस फिलहाल देखो अब आप लोगों को दिखाता हूँ प्याज कैसे कटता है। ऐसे कटता भाई, पर काट के तो हो गई थी, हम तो फिर भी प्याज ही काट रहे हैं। ऐसे कटा तो सबका है। और आंसू भी इससे ज्यादा ही निकले प्याज से, तो कम निकले। आंसू नहीं है निकले तो क्या मतलब, उससे आज भी निकलते हैं। प्याज के तो वन टाइम ही निकलते हैं, उसके तो परमानेंट निकलते हैं, इसलिए लड़कियों से दूर रहो। उसके आंसू निकल रहे होंगे। किसके? उसके क्यों निकलेंगे, उसकी तो नई लाइफ निकलते होंगे। उसकी तो नई लाइफ, एक बार तो निकलेंगे नहीं, क्यों निकलेंगे वो। प्याज देखो तुम लोग क्या बिफोर और आफ्टर, अब बढ़िया लग रहा है। ऐसे अब पहले बढ़िया, टमाटर जैसे टमाटर पड़ा, खैर जैसे ऐसे टूटा था। इसका कभी दिल नहीं टूटा, इसका इसका पेट बहुत निकल रहा है, पेट बहुत निकल रहा है, क्या हो गया? पेट बहुत निकल रहा। फिलहाल गाइस अभी तेल लग गया गर्म होने को और मैं बताऊंगा थोड़ी सी देर में कि दाल आज कैसे छोंकते हैं। अरे भाई तुम किचन वाला, खैर लड़कियां देख रही होंगी तो उन्हें तो आती होगी बट लड़कों को एक बार सिखा देता हूं। किचन वाला चैलेंज खोल लो, बिकॉज मैं एक यूट्यूबर भी हूँ प्रोफेशन से, एक स्टूडेंट भी हूँ और क्या भाई, जिम फ्रीक भी हूँ, कुकर भी हूँ, शेफ भी हूँ। क्या उदय किचन, हनी किचन करके आया है नया चैनल, हनी किचन करके आया है। फिलहाल चलो गरम हो रहा है तेल, उसके बाद हम अपनी दाल फ्राई करेंगे। फिलहाल गाइस सीन है ऐसा, थोड़ा थोड़ा जैसे ये हल्दी है, धनिया है, गरम मसाला है, मिर्च है, थोड़ा थोड़ा पाउडर ये डाल देंगे जिससे दाल में और टेस्ट बढ़ जाएगा। थोड़ा थोड़ा सारे मसाले डाल लिया, अब खुशबू बता नहीं सकता कितनी बढ़िया रही। थोड़ी देर से पकने को रख देंगे जिससे प्याज जो है वो सही से क्या कहते हैं उसे, रेड हो जाएगा, भुन जाएगा, फ्राई हो जाएगा, फिर मज़ा आएगा। अभी देखो अभी कितना टेस्टी खाना बनाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। फिलहाल हमने दाल कर दी है, इसमें पूरी डाल दी है और अब जो खुशबू आ रही है ये आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं करता कितना टेस्टी खाना बनाता हूँ मैं। खैर अपनी तारीफ खुद से नहीं कर रहा हूँ बट खुद आप लोगों को अभी रिव्यू चेक कराऊंगा। फिलहाल दाल अपनी थोड़ी देर मतलब अगर आप बना रहे हो तो 5 मिनट तक ऐसे ही रखे रहना जिससे मसाला सब मिक्स हो जाए अच्छे से दाल में, फिर जो स्वाद आएगा वो अलग ही नेक्स्ट लेवल में जाएगा। गाइस अपनी दाल बन के हो गई है रेडी, डाल देते हैं हम ऐसे करके प्लेट। अपना दाल चावल बनके हो गया है रेडी और एक नंबर बना है, घी डाल दिया है। ये देखो कितना छोटा चम्मच है, इससे छोटा तो चम्मच ही है देखो, है ना, है भाई, इससे छोटा तो चम्मच ही दिख रहा है। उसमें खाना देख के तले रहा है वो चम्मच।